Hello students, hope all you are fine. So today we are going to start solutions of differential equations. So there are three methods to find the solution of a differential equations. First method hum karenge separable method, uske baad hai ji homogeneous function, uske baad hai linear differential equations. So first of all we will find out separable method. सेपरेबल मेथड के साथ हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, है ना। ठीक है, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं ना 10th क्लास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, इसके तीन मेथड होते हैं क्या टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन निकालने के। कौन कौन से, जैसे हम इसमें किया, आपने किया होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किया होगा, फैक्टराइजेशन की होगी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड किया होगा, है ना। तो ऐसी यहां पे अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, उसका सोल्यूशन निकालने के थ्री मेथड हमने सीखने हैं। इससे पहले कि बच्चे सोच रहे होंगे थोड़ा 9.3 रहेगी बीच में ना, वो एक्चुअली आपका टॉपिक इस साल के लिए ना 2020-21 के लिए वो कट चुकी है एक्सरसाइज फॉर्मेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन वी विल डू, हम आज के बाद करेंगे, है ना। जहां वो जब मिसलिनियस एक्सरसाइज आएगी, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है वो भी हम करेंगे ना। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 9.4 एक्सरसाइज मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो ये मैं आपको ना एक्सरसाइज के साथ साथ ही बताऊंगा स्टेप्स की, कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। तो उससे आपको क्लियर होएगा, सिर्फ आपने ध्यान से सुनते रहना है करना क्या है। देखो जैसे इसका नाम है सेपरेबल मेथड, है ना, बाय सेपरेबल मेथड। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं पहला 9.4 का, एक्सरसाइज 9.4 फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। मैंने आपको वीडियो में बताया था एक जनरल सॉल्यूशन होता है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स आते हैं और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट इज देयर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 minus cos x अपॉन 1 plus cos x, ठीक है। ये आ गया, ये हमने करना है बाय सेपरेबल मेथड। सेपरेबल का देखो, सेपरेबल से जैसे मीनिंग से क्लियर है हमें क्या कि सेपरेट से बना है, ना सेपरेट, सेपरेट का मतलब अलग अलग करना। तो यहां पे अलग अलग किसको करना है, आपने डी वाई और वाई वाले वेरिएबल्स एक तरफ इकट्ठे कर दो और एक्स और डीएक्स वाले एक तरफ इकट्ठे कर दो, जितना आप कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग करने का मतलब यहां पे देखो, यहां से दिखाई तो दे रहा है ना आपको, ये देख लो सही है, यस। सो नाउ व्हाट इज देयर, देखो यहां पे ये सारे एक्स वाले हैं, तो इसका मतलब मुझे एक्स यहां पे लेके जाना चाहिए, है ना। तो व्हाट विल बी देयर हियर, व्हाट इज लेफ्ट, डी वाई इज इक्वल टू 1 minus cos x अपॉन 1 plus cos x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब ये फॉर्म बन गई। अब इस ऐसा करने के बाद आपने दोनों तरफ क्या कर देना है, इंटीग्रेशन। दोनों तरफ क्या कर देना है आपने, इंटीग्रेशन। सबसे पहले ये देखो, सबसे आसान मेथड है ये, अगर सेपरेट हो जाते हैं तो, है ना, अगर वो सेपरेट हो जाते हैं तो हमने सेपरेट करके उनका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ना। तो आगे जब हम ये करेंगे कि कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सेपरेट से नहीं होंगे, तो हमें होमोजीनियस लगाना पड़ेगा या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगाना पड़ेगा, है ना। तो अगर सेपरेट हो रहे हैं तो हम सेपरेट कर दिया। अब जैसे अब दोनों तरफ आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन आपने क्या किया, अलग अलग कर दिए। नाउ व्हाट यू विल डू, इंटीग्रेशन। अब इसकी सिंपल सी इंटीग्रेशन करनी है, तो ये देखो ये कैसे करूंगा मैं, डी वाई अभी यहां पर मैंने की नहीं है, 1 minus cos x, ये आपको पता है ये होता है 2 sin² x / 2, इसका फॉर्मूला है ना। 1 plus cos x का 2 cos² x / 2 इंटू डी एक्स, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। अब ये क्या रह गया, देखो डी वाई इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, 10² x / 2 इंटू डी एक्स, है ना। अब देखो इधर डी वाई वाला है, इधर एक्स वाला है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं। इसका इंटीग्रेशन करने से पहले 10² x / 2 का इंटीग्रेशन, देखो मेरे पास ये बात आई थी कि सर इंटीग्रेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है,
अरे भैया मैंने एक बोला था, इंटीग्रेशन की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। आपके पास बहुत सारी बुक्स होगी, आप उन बुक्स में से आप इनका वो करो, प्रैक्टिस करते रहो। और अब ये चैप्टर है इसमें इंटीग्रेशन यूज होना है ना। अब इसी ये छोटा सा क्वेश्चन आएगा टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? अरे भैया इसको कैसे लिख दोगे? ये देखो सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इजिकल टू क्या होता है वन, तो ये क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन इजिकल टू टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स की जगह पे ये लिख दोगे। अब ये देखो डी वाई इजिकल टू, ये क्या कर दिया मैंने यहां पे सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस वन, है ना, ये हो गया इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों तरफ, दोनों तरफ आपने इंटीग्रेशन कर देना है ना। तो नाउ व्हाट विल बी देयर, यहाँ पे एक और स्टेप आ जाएगा यस। अब यहाँ पे क्या है वन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वाई, है ना। अब यहाँ पे वाई प्लस सी वन भी आएगा, तो सी वन सी जो है वो आपने इधर भी आएगा सी उधर भी आएगा, तो आप एक तरफ लिख दिया करो सी, ठीक है, एक ही तरफ लिख देना आपने सिर्फ सी। y इज इक्वल टू अब सीकेंट स्केयर एक्स बाय टू का क्या होगा, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन tan x बाय टू, और x बाय टू का यहाँ पे याद रखना है ये तो tan x बाय टू हो गया, फिर x बाय टू का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगा डिवाइड होगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब ये देखो करते आ रहे होते हैं हम सिक्स चैप्टर सेवन चैप्टर में इंटीग्रेशन करते हैं तब तो बच्चों को याद रहता है, लेकिन जब ये चैप्टर करते हैं तो वो ये चीजें भूल जाता है ना, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की होती। तो नाउ व्हाट इज देयर सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय टू का क्या होगा टेन एक्स बाय टू डिवाइड बाय इसका क्या होगा डेरिवेटिव, एक्स बाय टू का डेरिवेटिव यार एक्स बाय टू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन बाय टू, तो वन बाय टू यहाँ पे डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा टू अपॉन वन, ठीक है, माइनस ये मैं नीचे से मिटा रहा हूं, ये आ गया एक्स प्लस यहाँ पे ना सी लिख दो आप, है ना, कॉन्स्टेंट तो आएगी। देखो अगर मैं इधर सी वन लिखता हूं, देखो इधर ये मैं बता भी देता हूं आपको एक, अगर आपने दोनों तरफ लिखना है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, वाई प्लस सी वन और यहाँ पे फिर क्या लिख दो सी टू लिख दो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद क्या करना है नाउ वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू टू टेन एक्स बाय टू माइनस एक्स प्लस सी टू है, तो ये सी वन उधर उधर ट्रांसपोज कर दोगे आप, वाई इज इक्वल टू टू टेन एक्स बाय टू माइनस एक्स प्लस सी टू माइनस सी वन, तो वाई इज इक्वल टू टू टेन एक्स बाय टू माइनस एक्स प्लस सी सी लिख दोगे इसको, सी टू माइनस सी वन, ये भी कांस्टेंट था ये भी कांस्टेंट था, कांस्टेंट को कांस्टेंट से माइनस करोगे तो क्या आएगा कांस्टेंट ही आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे सी। मोस्टली जब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे तो हम एक ही तरफ सी लिखेंगे ना, ये आपको मैंने स्टेप बताने के लिए समझाने के लिए लिख दिया दोनों तरफ, तो हम मोस्टली कौन सी तरफ लिखते हैं एक्स वाली साइड हम सी लिख दिया करेंगे ना, या सी वन लिख दो उसकी तरफ क्या लिख दिया करो सी वन, लास्ट में हम सी लिखा करेंगे क्योंकि आगे आगे देखो कोई क्वेश्चन आएंगे कि वो कांस्टेंट यहां पे भी होगा, अगर मैं पहले सी लिख दूंगा तो फिर बच्चे को प्रॉब्लम आती है। आप इधर सी वन लिख दो एक्स वाली साइड, उसके बाद लास्ट स्टेप में आपने सी लिख देना। अब यहाँ पे आंसर्स में कई बार प्रॉब्लम आती है ना, आंसर्स में कैसे प्रॉब्लम आती है सुनो, इधर कई बार मैं पीछे मैच नहीं कर रहा होता, आपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है ना, आपका अपना आंसर सही होना चाहिए, उसके बाद दूसरी बात थोड़ा बहुत डिफरेंस रह भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कई बार ऐसा होगा यार आप जो एनसीईआरटी में आंसर है हम उससे आगे ज्यादा निकाल दिया करेंगे, कई बार हो सकता है एक आधा स्टेप पीछे भी जाइए, लेकिन आपने यहां तक आप यहां तक कर सकते हो वहां तक तो करना है, यहां तक पॉसिबिलिटी है वहां तक तो पक्का करो, ठीक है। तो नाउ ये होता है, अब ये इसका आंसर हो गया, बस वाई की वैल्यू निकालनी थी, ये सोल्यूशन हो गया इसका, है ना। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका भी, ये 9 पॉइंट कौन सी थी एक्सरसाइज हमारे पास था 9.4 वाई इज इक्वल टू टू टेन एक्स बाय टू माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है जी आंसर ठीक है। नाउ नेक्स्ट सम करेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट सम नेक्स्ट सम देखो, मेरे ख्याल से सेपरेबल मेथड पता चल गया होगा थोड़ा सा आपको, कोई नहीं एक दो सम और करेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा जी।
Now second swap. dy by dx is equal to under root 4 minus y square. 4 minus y square. अब देखो ये y वाली टर्म है और यहां पे y यहां पे है और यहां पे क्या है dx. हमने इसको सेपरेबल करना है. dy के साथ y वाली टर्म लिखनी है और x वाली टर्म के साथ dx लिखना है ना. सो नाउ हाउ यू कैन डू, ये y वाली काउंट करेंगे हम इसको ना. तो ये क्या हो जाएगा देखो dy अपॉन, ये इसके अपॉन आ जाएगा 4 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे क्या बच गया 1 इंटू dx. ठीक है ये हो गया. अब बस सेपरेबल हो गए, दीज आर सेपरेबल. अब क्या करना आपने, सेकंड स्टेप क्या था, दोनों तरफ क्या लगा दो इंटीग्रेशन, दोनों तरफ क्या लगा दो इंटीग्रेशन. अब यहां पे ना ये इसलिए दिया हुआ है जैसे को y ग्रेटर देन, ये लिखा हुआ है यहां पे y ग्रेटर देन माइनस टू y लेस देन टू, इसका कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है. कई बार बच्चा ये सोचता है कि सर अगर यहां पे 2 आ जाए तो ये तो ये अगर 2 नहीं आएगा y लेस देन 2 होगा या y ग्रेटर देन माइनस 2 होगा, तो मतलब ये डिफाइंड है फंक्शन है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको. ठीक है वो इसलिए दिया हुआ है कि बच्चा कई बार ये सोचता है कि यार ये तो डिफाइन ही नहीं है फंक्शन है ना, तो कोई बात नहीं इससे. तो अब ये क्या हो जाएगा, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, डी वाई बाय अंडर रूट, यहां पे हमने ये फॉर्म की हुई है कौन सी, ए स्केयर माइनस वाई स्केयर. देखो मैंने कहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर, इंटीग्रेशन. अब ये 1 अपॉन अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, या तो फिर आप वो लगाओगे इसमें, इसका सीधा फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा हमें. इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, तो इसका क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है. मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन इनवर्स, इसका इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो वाई अपॉन टू आ गया, एक जगह पे क्या है टू. ठीक है प्लस सी मैं इधर लिखूंगा, मैंने बोला था आप इधर लिख दिया करो, ये क्या आ जाएगा एक्स प्लस सी. अब मैं यहां पे सी वन कह रहा था ना, सी वन इसलिए कह रहा था कि सी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई बार ना यहां से कॉन्स्टेंट आया करेगा और उसमें एड हुआ करेगा, जब वो एड हो जाया करेगा तो उसके बाद सी लिख दो है ना. तो आप यहां पे तो आई थिंक सी से भी काम चल जाएगा नो प्रॉब्लम. ठीक है अब देखो इसमें क्या होता है कि कई बच्चे यहां पे आंसर छोड़ देंगे, लेकिन हमें ज्यादातर वाई की वैल्यू, मोस्टली आपने कोशिश करनी है कि वाई की वैल्यू निकल जाए. जब वाई की वैल्यू निकलेगी तो एक्चुअल में वही क्या आ जाएगा सोल्यूशन आ जाएगा. तो कई बार ये ऐसा भी होगा कि वाई की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी निकालनी, तो वहां पे फिर दिक्कत भी आएगी है ना. तो वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे आप यहां तक सॉल्व कर सकते हो, वहां तक सॉल्व कर दोगे. अब देखो इधर यहां पे क्या है साइन इनवर्स है ना, तो ये साइन इनवर्स है. जब मैं इसको नीचे ले आकर देखो ये साइन इनवर्स है, तो यहां पे क्या हो जाएगा वाई बाय टू इज इक्वल टू साइन उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी रह जाएगा. देखो साइन नीचे लिखा मैंने इनवर्स है ना, अब देखो साइन के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया मान लो, या तो ये हो जाएगा जहां ये साइन है ये तो आप समझ रहे हो साइन माइनस वन है, तो नीचे आके साइन हो जाएगा, साइन उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो साइन क्या आ गया एक्स प्लस सी, ये साइन माइनस था वन था इनवर्स था, ये साइन इधर लिख दिया. अब टू इधर लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू टू साइन एक्स प्लस सी. तो ये आंसर होना चाहिए आपका ना, चेक कर लेते हैं इसका हरेक आंसर, मुझे हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि तो कई बार थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ जाए तो बच्चा ये सोचता है यार ये मेरा आंसर तो मैच ही नहीं किया. तो y इज इक्वल टू टू साइन एक्स प्लस सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है. नाउ विल डू थर्ड सम है ना, थर्ड सम करेंगे हम, आप भी साथ साथ ट्राई करो ना, बहुत आसान सवाल है जी. नेक्स्ट देखो इसका सी पार्ट, सी पार्ट है थर्ड पार्ट. डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन है ना, इज इक्वल टू वन ये था. अब सबसे पहले सेपरेबल करना है ना, सेपरेबल कैसे हो सकता है देखो इधर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वाई, ये उधर आके माइनस हो गया. ठीक है अब आप आसानी से इसको सेपरेबल कर सकते हो. देखो डी वाई अपॉन वन माइनस वाई इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू
वन रह गया तो डी एक्स हो जाएगा। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को भी ना, इसमें आंसर में प्रॉब्लम आती है ना, तो इसमें तो वैसे भी ना एक आंसर में प्रॉब्लम है इसमें, आई थिंक इसी में है, बाकी देख लेते हैं हम क्या आता है आंसर। तो अब ये क्या आएगा इसका, दोनों तरफ क्या करता हूं इंटीग्रेशन, जब यहां पे इंटीग्रेशन करोगे तो ये वन माइनस वाई है, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है नहीं पड़ा, तो ये क्या हो जाएगा देखो लॉग माइनस होना चाहिए था ना यहाँ पे माइनस, तो मान लो मैंने यहाँ पे माइनस वन और माइनस यहाँ पे लगा दिया। अब इसका देखो सेम, इसका इंटीग्रेशन ऊपर पड़ा है, इसका सॉरी डेरिवेटिव वन का जीरो होता है, माइनस वाई का माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन ऊपर पड़ा है, जब इसका इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस तो यहाँ पे आई गया माइनस लॉग वन माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस सी वन लिख दो, यहां पे सी वन लिख दिया मैंने। अब देखो अब यहां पे क्या है, ये माइनस लॉग वन माइनस वाई है, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे ध्यान से देखो, पहले तो ये माइनस है ना, ये माइनस, ये माइनस हटाने के लिए हमने क्या कर दिया सुनो इधर, यहां ये माइनस इधर ले गया मैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, पहली बात ये यहां से माइनस हट गया। अब आपको ये कंसेप्ट मैंने पहले भी बताया होगा, जब लॉग को उधर देखो, जब स्केयर को लेके जाते हैं एक्स स्केयर, तो अगर फोर है तो ये क्या बन जाता है एक्स इजिकल टू फोर की पावर वन बाय टू बन जाता है, इस बात का ध्यान रखो। अगर एक्स क्यूब है तो सेवन है मान लो यहाँ पे, तो ये एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा सेवन की पावर वन बाय थ्री हो जाती है, तो जब लॉग को उधर लेके जाते हैं तो वो ई की पावर बन जाता है, जब लॉग को लेके जाएंगे ना, अब लॉग उधर लेके जाना तो ये क्या हो जाएगा देखो वन माइनस वाई इज इक्वल टू ये ई की पावर में आ जाएगा सारा, ई की पावर माइनस एक्स माइनस सी वन, ठीक है, क्लियर हुई बात ये, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा सी भी ले लो इसको कोई बात नहीं है, सी सी से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ये बात समझाई, ये लॉग को उधर लेके जाओगे ना तो अब ये देखो ये क्यों होता है, अब अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूंगा, दोनों तरफ क्यों होता है जैसा, अगर दोनों तरफ मैं लॉग ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा लॉग वन माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ई की पावर माइनस एक्स माइनस सी, तो ये देखो ये पावर इसकी आगे आ जाती है, आगे आ जाएगी पावर माइनस एक्स माइनस सी, तो लॉग क्या हो जाएगा लॉग ई, और लॉग ई क्या होता है वन होता है, तो फिर वही इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। इसीलिए हम लॉग को इधर ले आके क्या होता है ई की पावर में आ जाता है सब कुछ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, नाउ व्हाट विल बी देयर, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं वन माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इन टू ई की पावर माइनस सी, ठीक है। अब ई की आपको ई की पावर माइनस सी है, देखो इधर वन माइनस वाई इज इक्वल टू ई रेज पावर माइनस एक्स ई रेज पावर माइनस सी, ये कॉन्स्टेंट है, सी कॉन्स्टेंट है, ई जो है ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू टू पॉइंट समथिंग होती है, 2.45 समथिंग होती है ना, तो ये उसकी पावर कुछ भी आएगी तो वो कॉन्स्टेंट ही आएगा, है ना। ई की पावर जो होती है वो 2.45 के अराउंड होती है, तो सी कॉन्स्टेंट है, उसकी पावर कुछ भी हो तो वो क्या आएगा, कुछ कॉन्स्टेंट ही देगा हमें, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, एक कॉन्स्टेंट लिख दिया, यू कैन राइट हियर सी लिखा हुआ था तो आप इसको एक कॉन्स्टेंट के रूप में ए लिख सकते हो, यू कैन राइट इट ए, एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट ही लिखना है यार, ई रेज पावर सी लिखा हुआ था, ई रेज पावर सी को एक अलग से नाम दे दिया हमने ए, अलग आर्बिट्री कॉन्स्टेंट बना दिया इसको ना, ई रेज पावर माइनस सी को, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद वाई की वैल्यू निकालनी थी, तो वाई क्या हो जाएगा देखो वाई इज इक्वल टू वन माइनस वाई, इसको लिख दो आप क्या लिख सकते हो, माइनस वाई इज इक्वल टू ई रेज पावर माइनस एक्स इंटू ए माइनस वन, ठीक है। अब फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू वन पॉजिटिव का हो जाएगा और माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स इंटू ए यहां पे लिख दो, आगे लिख दो, तो ये आंसर होना चाहिए इसका ना, शायद माइनस या प्लस की यहाँ पे है इसमें कोई प्रॉब्लम, शायद देख लेते हैं बाकी, हाँ ये है वाई इज इक्वल टू, यहां पे क्या आना चाहिए प्लस आना चाहिए, यहां पे क्या आना चाहिए देखो पीछे प्लस है ना, यहाँ पे क्या है प्लस है, लेकिन हमारा क्या आ रहा है देखो माइनस आ रहा है, हाँ ये उसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, या तो यहाँ पे माइनस होगा या फिर कुछ ऐसा दिया होगा ना, और ये
इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना यही आंसर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वहां पे प्लस दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम वो स्टेटमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आंसर में पीछे हो सकती है ना, तो यही आंसर था बना, ठीक है। समझ आ गया होगा मेरे ख्याल सबको, यहाँ ये हाँ यही है, माइनस ए कॉन्स्टेंट है। बस ठीक है, अगर उन्होंने ये सोच के लिख भी दिया कि माइनस ए है, ए नेगेटिव भी हो सकता है, तो नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है, उन्होंने पॉजिटिव दे दिया, लेकिन ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है, आप ऐसे आंसर लिख सकते हो। यहाँ ये हो सकता है कि उन्होंने इसलिए दे दिया हो, यहाँ पे माइनस ए है ना, तो ए तो एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट था, वो कॉन्स्टेंट क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वहां पे हमारा कॉन्स्टेंट तो प्लस ही आ रहा था। आप ये आंसर लिख दो, नो प्रॉब्लम, इट विल बी फुली करेक्ट, ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड सम है ना, अब करेंगे हम फोर्थ सम, ठीक है। फोर्थ देखो, फोर्थ सम करेंगे अब हम, यहां से देखें तो जरा सही, यस फोर्थ सम देखो, फोर्थ सीकेंट स्क्वायर एक्स टेन वाई इंटू डी एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर वाई टेन एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो है ना। अब इसको क्या करना है, हमने सेपरेट करना है सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या करोगे, सेपरेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू सेपरेट इट है ना। अब सेपरेट कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तो क्या करना चाहिए हमें, मैं इसको उधर लेके जा रहा हूं, ये इधर ही रख लिया मैंने, सीकेंट स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू, इसको इधर ले गया, ये क्या हो गया माइनस सीकेंड स्केयर एक्स टेन वाई इंटू डी एक्स, ये हो गया जी। अब देखो वाई वाले तो इधर ले, वाई वाले ये क्या हो जाएगा, सीकेंड स्केयर वाई डी वाई, ये टेन वाई इधर आके अपॉन में हो जाएगा, टेन वाई इज इक्वल टू ये क्या हो गया माइनस सीकेंड स्केयर एक्स अपॉन, ये टेन एक्स इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, टेन एक्स इंटू डी एक्स, देखो सेपरेट हो चुका है हमारे पास, एक्स वाले एक तरफ इकट्ठे हो गए, वाई वाले एक तरफ इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है सेपरेट हो गए। अब उसके बाद क्या करना है हमने, बस सिंपल इंटीग्रेशन ना, क्या करोगे इंटीग्रेशन है ना, तो उसके बाद इंटीग्रेशन करना है हमने बस, और कुछ नहीं है। तो नाउ व्हाट यू विल डू, देखो टेन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्केयर वाई टेन वाई का, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा लॉग लॉग टेन वाई, ठीक है लॉग टेन वाई यही आएगा, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस बार है, तो ये भी वही लॉग टेन एक्स प्लस सी वन लिख दो, इसको मान प्लस सी सी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे आगे आपको ना बताऊंगा ये सी वन मैं क्यों लिखता हूं कई बार है ना। अब देखो इधर, अब आप क्या करोगे, इकट्ठा करना है इसको ना, इसको इधर ले आए लॉग वाले को, तो ये क्या हो जाएगा लॉग टेन वाई प्लस लॉग टेन एक्स इज इक्वल टू सी है ना, इज इक्वल टू क्या लिख दिया सी लिख दिया, सी लिख दो इसको नो प्रॉब्लम है ना, सी वन लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सी सी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो ये क्या हो जाएगा लॉग एम इंटू एन, तो ये क्या हो जाएगा टेन वाई इंटू टेन एक्स, ये हो गया log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू log n होता है, log m इंटू n, ठीक है ये लिख दिया इज इक्वल टू सी वन, ठीक है। अब देखो अब क्या करोगे,
व्हाट वी कैन डू हियर, लॉ को उधर लेके जाओगे फिर दोबारा से, तो ये क्या हो जाएगा टेन वाई इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू ई की पावर सी वन लिख दिया, ठीक है। अब ई की पावर सी वन फिर क्या आएगा, ये कॉन्स्टेंट ही तो आएगा, क्या आएगा, एक कॉन्स्टेंट ही आएगा, तो यहां पे मैं इसको फिर वो ए लिख दो चाहे आप कुछ भी लिख दो, अगर मैंने सी वन लिखा हुआ है तो अब इसको क्या लिख दो, सी का नाम दे दो ना, क्योंकि पीछे आंसर में सी होगा, इसलिए मैं यहां पे सी लिखा लिख दूंगा, टेन वाई इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू सी, ई रेज पावर सी वन भी हमें क्या देगा, एक कॉन्स्टेंट ही देगा, तो ये आंसर बन गया ये, क्योंकि अब हम इसको वाई को सेपरेट नहीं कर सकते है ना, तो ये ऐसे का ऐसे रह जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा सोल्यूशन आ जाएगा। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं ना, आंसर जरूरी है इसमें मैच करना, 9.4 का फोर सम टेन एक्स टेन वाई इज इक्वल टू क्या है सी है। कई बच्चे ये सोचते हैं सर पहले आपने ई रीज पावर सी को ए लिख दिया था, अरे यार वो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पे भी सी लिख देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो ए इसलिए लिख दिया था जहां तो क्वेश्चन में आगे पीछे सी नहीं रहा होगा, या फिर ये है कि आप कई बच्चे सोचते हैं सर पीछे तो आंसर मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए वो ए भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है सी भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है। तो ये था इसका फोर्थ सम, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट इट्स फोर्थ फिफ्थ सम, फिफ्थ सम लिखेंगे फिफ्थ सम, ध्यान से देखो यार, फिफ्थ सम ई रेज पावर एक्स प्लस ई रेज पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई माइनस ई रेज पावर एक्स माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वही सेपरेबल मेथड करेंगे हम, सेपरेबल सेपरेबल देखो क्या है, ये डी वाई वाला उसको उधर ले दो, ई रेज पावर एक्स प्लस ई रेज पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू, ये माइनस है उधर क्या हो गया प्लस हो गया, ई रेज पावर एक्स माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब ये देखो एक्स वाले एक तरफ इकट्ठे करने हैं हमने, वाई वाले एक तरफ इकट्ठे करने थे, तो ये डी वाई है ये तो इसको तो इधर ही पड़ा रहने दो, तो ये क्या हो जाएगा ई रेज पावर एक्स माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन ये सारा इसके नीचे आ जाएगा इधर ई रेज पावर एक्स प्लस ई रेज पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये सेपरेट हो गया, ठीक है, अब सेपरेट हो गया जब, तो क्या करोगे इंटीग्रेशन करना दोनों तरफ, इंटीग्रेशन ये कर दिया जी इंटीग्रेशन। अब यहां पे तो मुझे पता है सीधा क्या आ जाएगा वाई आ गया इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा, क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, देखो पड़ा है ई रेज पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज पावर एक्स, ई रेज पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेज पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन, तो ये पड़ा है, तो इसको हम सीधा क्या लिख दोगे आप लॉग ई रेज पावर एक्स प्लस ई रेज पावर माइनस एक्स प्लस सी प्लस सी, ठीक है। अब इसको अगर हमने और सॉल्व करना है तो पहले एक बार आंसर चेक कर ले, शायद यही आंसर हो मेरे ख्याल से, अगर आगे सॉल्व करना हुआ तो सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो रहने देंगे यहां, ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखो यही आंसर है वाई इज इक्वल टू लॉग ई रेज पावर एक्स प्लस ई रेज पावर माइनस एक्स प्लस सी, तो क्यों मेहनत करनी आगे है ना, मैं इससे ज्यादा मेहनत करने वाला था, देखो क्या करने वाला था, इससे आगे क्या करता मैं वाई इज इक्वल टू, ये स्टेप भी आपको बता दे ई रेज पावर एक्स प्लस ई रेज पावर माइनस एक्स प्लस, इसको हम ये भी लिख सकते हैं लॉग सी, क्योंकि ये भी हमें लॉग सी देता है ना, तो ये कर देते उसके बाद लॉग एम इन टू एन कर देते ना, पर अब रहने दो जब हमारा आंसर ये है तो हमें क्यों आगे बढ़ना है ना। तो ये थे हमारे फर्स्ट फाइव सम्स बाय सेपरेबल मेथड, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।